बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो रिलेटेड टू सिप्टिक टैंक है। सिप्टिक टैंक में यहां पे जो वॉल का जो वर्क होता है, यहां पे कंपाउंड वॉल जो कंक्रीट का है यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर जो चल रहा है वो पार्टीशन का वर्क यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर इनलेट और आउटलेट का यहाँ पर पार्टीशन हो चुका है, यहाँ पर इनलेट और आउटलेट का यहाँ पे पार्टीशन हो चुका है। अब यहाँ पे जो वर्क बैलेंस जो वर्क है, यहाँ पे फिनिशिंग का बैलेंस वर्क है, वो भी इंशाल्लाह एज सन एज पूरा हो जाएगा। यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दी, जैसा कि यहाँ पे छन्नी वगैरह है, उसको पोगर भी बोल सकते हैं, इससे क्या है। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारी वीडियो पर बने रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। तो फ्रेंड्स एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे ये एक यहाँ पे पार्टीशन हो चुका है और वहाँ पे मार्क किया है, वहाँ पे टॉप लेवल देख सकते हैं आप, वॉल का टॉप लेवल से नीचे तक यहाँ पर 10 इंच का गैप दिया गया है, ओके। और वहाँ पे पूरा सील लेवल है, मतलब पूरा रिटेन लेवल, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये लेवल तक यहाँ पे, और इसके ऊपर सपोर्टिंग के लिए रॉड भी दिया गया है यहाँ पे इसके लिए। और एक बात यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, नीचे जो यहाँ पे होल दिया गया है फॉर दी आउटलेट के लिए, जैसा कि ये पोर्शन जो है इनलेट का है और ये पोर्शन जो है आउटलेट के लिए है, ये पोर्शन देख सकते हैं, जो भी वाटर रहेगा, जो भी क्या वेस्ट वाटर रहेगा फुल होने के बाद, ओके, एक बने रही इस वीडियो। सो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं वो वाला जो पोर्शन इनलेट का है, इनलेट का ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन आउटलेट का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे 2x2 का यहाँ पे इनलेट के लिए यहाँ पे होल दिया गया है, इनलेट के लिए यहाँ पे 2x2 का यहाँ पे होल दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाटर, जो वेस्ट वाटर रहेंगे, जो भी सेडिमेंटेशन रहेगा नीचे, वेस्ट वाटर रहेगा, ये फिलअप होने के बाद वहाँ से नीचे से 2x2 का यहाँ पे आप होल देख सकते हैं, ये इनलेट है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो है इनलेट है, यहाँ से पूरा फुल होने के बाद यहाँ से होल में से फिर यहाँ पे वेस्ट वाटर आएगा, देन यहाँ से होके यहाँ पे जाएगा, देन उसके बाद यहाँ पे एक पाइप आएगा, वो पाइप को हम बोलते हैं आउटलेट बोलते हैं, यहाँ पे पाइप आएगा वॉल में से। और एक एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको होल जो किया है विद द हेल्प ऑफ दी, जैसा कि छानी आप देख सकते हैं, उसको और एक भी नाम बोल सकते हैं पोगर बोल के, इससे यहाँ पर किया है, यहाँ पर ड्रिल से नहीं किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। पहले इसी से करते थे पहले के पीरियड में, अब जैसा कि लेटेस्ट जो रिसेंट ड्रिल मशीन वगैरह आए हैं यहाँ पे देख सकते हैं, ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे छन्नी से मार के यहाँ पे रॉड को अंदर 1 इंच अंदर डाला गया है, रॉड को इंसर्ट किया गया है वहाँ पे रिटेनिंग वॉल में। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, चाहे वो आप ड्रिल से करो होल्स, चाहे या फिर छन्नी से करो, जब इसका फिनिशिंग वर्क हो जाएगा, जब इसका फिनिशिंग वर्क हो जाएगा 3 डेज़ के बाद, जैसा कि इसको अच्छा सा क्यूरिंग कर लेंगे, क्यूरिंग जैसा कि अब इसको हम सडनली एट ए टाइम फिनिशिंग नहीं कर सकते, क्यों बोलते हैं, ये पानी भी पीना चाहिए, तो इसीलिए दो या तीन दिन रुक के इसको हम अच्छे से क्यूरिंग कर लेंगे, क्यूरिंग करने के बाद फिनिशिंग करेंगे तो बढ़िया रहेगा। फिनिशिंग के बाद ये पानी नहीं पिएगा, मतलब अब जितना पिएगा पानी उतना नहीं पिएगा, तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अच्छा सा क्यूरिंग करना चाहिए, क्यूरिंग के बाद हमें फिनिशिंग करना चाहिए, देन फिनिशिंग के टाइम पे अच्छा फिनिशिंग होने के बाद यहाँ पे इसको वाटर जो भी रहेगा फिल यहाँ पे फुल कर देंगे हम, जैसा कि यहाँ पे ये आउटलेट है, ये इनलेट का सेक्शन था, यहाँ पे देख सकते हैं वाटर हम फुल करके जब हम वाटर टेस्टिंग चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये होल्स आपको नज़र आ रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पर, जो भी यहाँ पर आज जो रॉड्स वगैरह यहाँ पर फिट किए हैं इसके अंदर, वो पूरे पैक हो जाएंगे फिनिशिंग के टाइम पर। तो आपको चेक क्या करना है, ये लीकेजेस के कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, जैसा कि इन फ्यूचर में क्या बेड में से लीकेजेस हो रहा है, क्या ये रॉड्स जो मारे उसमें से लीकेजेस हो रहा है। तो स्लैब का आप कास्टिंग करने से पहले बिफोर आप वाटर टेस्टिंग कर लें, इसको फुल भर के रख लें आप, जो भी यहाँ पे जो साइज़ देख सकते हैं यहाँ पे, इसको फुल भर के रख लेना चाहिए आप, भर के रख लेने के बाद ये लेवल पर फुल, उसके बाद जैसा कि उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए चेकिंग आपका, जैसा कि 1 इंच 2 इंच आपका वाटर कम हो रहा है,
तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जैसा कि धूप की वजह से, गर्मी की वजह से वो इवोपरेट होता है, मतलब धुएं के टाइप में वाटर क्या है उठ चला जाता है। और एक दूसरी बात क्या है, और ये जो वॉल्स वगैरह हैं, जैसा कि पार्टीशन वगैरह यहाँ पे हैं, पार्टीशन भी पानी पीता है इसमें, एक एक या दो इंच आएगा, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। अगर आपका डेली 6 इंचेस 1 फिट पानी उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, तो समझना चाहिए कि रिपेयर वर्क का मतलब जो आप सेफ्टी टैंक बनाए हैं वो वाटर प्रूफिंग में कुछ प्रॉब्लम है, और एक बार उसे वाटर प्रूफिंग करना पड़ेगा और एक बार उसे फिनिशिंग करना पड़ेगा। तो ये थे आज जो पॉइंट्स बोला हूँ मैं आपको इम्पॉर्टेंट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, आप जब भी आप इसका फिनिशिंग करें, फिनिशिंग करते टाइम पे भी केमिकल यूज़ करेंगे तो आप बेटर रहेगा। केमिकल्स के नाम से भी मैं आपको बोल देता हूँ, डॉक्टर फिक्सिट जर्नली सबको मालूम है। और एक एक केमिकल आता है, बहुत रेयर इधर नहीं मिलेगा, बेंगलुरु में ज़्यादातर मिलता है, और एक केमिकल है उसका नाम है फॉसरेक बोल के आपको केमिकल मिलेगा, वो भी बहुत बढ़िया केमिकल है, अच्छा केमिकल है। फॉसरेक केमिकल भी आप यूज़ करेंगे तो लीकेजेस के आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे 100%। जहाँ तक हो सकता है फिनिशिंग के टाइम पे इसे डॉक्टर फिक्सेट यूज़ करके इसको फिनिशिंग करेंगे तो बेटर रहेगा। तो आज की जो हमारी टॉपिक थी वो सेफ्टी टैंक के बारे में थी। जैसा कि यहाँ पे रॉड्स देख सकते हैं, यहाँ पे 8 mm के यहाँ पे रॉड्स है, और यहाँ पे जो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो रॉड्स है 8x8 के यहाँ पे जो रॉड दिया गया है, बार दिया गया है, इसका जो डिस्टेंस है एक से दूसरे तक यहाँ पे जो गैप है वो गैप यहाँ पे 150 mm 6 इंच की दूरी पे यहाँ पे रॉड्स दिया गया है, एक रॉड से दूसरा 6 इंच की दूरी पे दिया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, जैसा कि यहाँ पे जाली भी बना गया है, जैसा कि इसको कबूतर जाली बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जाली बनने के बाद फर्स्ट रॉड सेट कर लेंगे, रॉड बन देंगे यहाँ से इस तरह से, रॉड सेटिंग होने के बाद उसके बाद यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल में भी रॉड ये कर देंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, उसके बाद यहाँ पे कबूतर जाली लगा के पीछे से एक वुडन का वहाँ पे कुछ चकला वगैरह रहेगा वुडन का लकड़ी का, उसे पकड़ लेके यहाँ पे पूरा स्टार्ट करेंगे। तो जैसा ये भी एक सेफ्टी टैंक है, इसका साइज़ है देख सकते हैं आप। सो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटली ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है सेफ्टी टैंक है टोटली 9 फिट का है, और आपको एक पोर्शन मिल जाएगा नियर टू 3 फिट के करीब मिल जाएगा। जैसा कि 36 इंचेस मतलब 3 फिट होता है, यहाँ पे 31 31 31 का यहाँ पे 3 सेक्शन बन रहे हैं। और यहाँ पे जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनलेट के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है 1 फिट है, इधर 1 फिट है, 2 फिट हो गया, और 2 फिट का यहाँ पे ये होल्स यहाँ पे दिया गया, टोटल 4 फिट यहाँ पे ब्रेथ है और 9 फिट यहाँ पे ये लेंथ है। दोस्तों इस तरह से जो आज की हमारी वीडियो थी, और यहाँ पे 10 mm के बार प्रोवाइड किया है, जो यहाँ पे रिटेन वॉल देख सकते हैं आप, सॉरी यहाँ पे जो कंपाउंड वॉल देख सकते हैं कॉन्क्रीट का, यहाँ पे 10 mm के बार दिया गया है, और स्लैब में भी मे बी 10 और 8 के यूज़ करेंगे। किस तरह से स्लैब का शटरिंग होता है इंशाल्लाह वो मेरी आने वाली न्यू वीडियो में बताऊँगा, तो बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। सो फ्रेंड्स एंड एवरीवन, जैसा कि आज की वीडियो थी हमारी सेफ्टी टैंक के बारे में, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल का नाम है सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड, आपको गूगल पे भी हमारा चैनल मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, इफ़ यू हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो एंड अनदर वीडियो एंड ऑल वीडियोस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड, यू कैन कमेंट सेक्शन बॉक्स इन यूट्यूब फॉर यू, यू कैन कमेंट एट एनी टाइम, इंशाल्लाह आई विल गिव रिप्लाई योर कमेंट, एंड ऑल्सो यू कैन सजेस्ट फॉर द न्यू वीडियोज़ एंड लेटेस्ट वीडियोज़, फ्यूचर वीडियोज़, अपकमिंग वीडियोज़, यू कैन कमेंट, ओके। सो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल वी विल मीट यू इन न्यू वीडियो, वी विल सी यू इन न्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।